आज हमने बजट का बैठक बुलाया था और बजट हमने पारित किया है पूरे रांची नगर निगम क्षेत्र के लिए। नगर आयुक्त, डिप्टी मेयर सब ने मिल करके हम लोगों ने पूरा हमारा काउंसिल ने पारित किया है। कुल मिलाकर के 2023-24 का बजट 2801 करोड़ का बजट है और उसमें कुल मिलाकर के जो हमारा रांची नगर निगम का आय का स्रोत है उसमें से कुल मिलाकर के 284 करोड़ है। ऐसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अगर हम राशि की बात करते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है 1662 करोड़ है और इसमें हमने आय किया व्यय किया है और कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो पूरे शहर में हमने स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, फायर सर्विस के लिए, सप्लाई पानी के लिए, पानी का बोरिंग के लिए, सीवरेज ड्रेनेज के लिए, परिवहन मद के राशि यानी रोड निर्माण करने के लिए, वायु प्रदूषण जैसे बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए, आपको तालाब सौंदर्यीकरण का NULM के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, अर्बन फेरी के लिए, फुटपाथ के लिए, विद्युत लाइट की बात करेंगे, फोगिंग की बात करेंगे, ऐसे अगर हम पूरा देखेंगे तो पूरे रांची नगर निगम को लाभ पहुंचाने के लिए अभी हम लोग ने कुल मिलाकर के 2801 करोड़ का बजट हमने पारित किया है ताकि जनता के हित में और समाज के हित में हो और पूरे रांची नगर निगम में जिस तरह से हम लोग ने काम किया है वो और आगे हम अच्छे से काम कर पाएंगे। नहीं, हम लोग ने प्रयास जारी रखा है। पिछले बजट में हमने प्रावधान किया था, उनका राशि भी हमने रखा है और जो स्कूल राज्य सरकार ने नगर निगम की स्कूल को ले लिए है उसको भी हम लेने के लिए प्रयास किए हैं। अभी तक हमें मिला नहीं है लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पूरे देश भर में रांची अपना नगर निगम का स्कूल होता है ताकि जो गरीब बच्चे हैं वहाँ अच्छे से एजुकेशन कर पाएंगे, उसी तरह से हॉस्पिटल की भी बात करते हैं, हमारे पास हॉस्पिटल है उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है। कई गली मोहल्ले हैं और वहाँ फायर पहुँचने में दिक्कत होती है, इनका भी हमने प्रावधान किया है। हमने प्रयास किया है, प्रयास जारी है, आपने देखा होगा यही प्रयास के कारण आज रांची एक बढ़ते हुए सौंदर्यीकरण होते हुए या रांची की सोच बढ़ते हुए आज रांची आगे बढ़ी है, रांची का विकास हुआ है, ऐसे स्कूल भी हमें मिलेगा ऐसा पूरा भरोसा है। नहीं, हमने जो किया है, मेयर का जो ताकत है, हमें जो ताकत मिला उस ताकत का हमने पालन किया है और उस पालन के तहत ही आज हमने बजट को भी प्रावधान करते हुए बजट पारित किए हैं और रांची के हित के लिए, रांची की जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए हमने दोबारा आपको बताती हूँ कि 2801 करोड़ का बजट हमने आपको पारित करके दिए हैं ताकि रांची की जनता का सरोकार हो पाए, रांची का विकास हो पाए।